हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज मैंने फिर से एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया आप लोगों के लिए। रिलेशनशिप डू नॉट डाई नेचुरल डेथ, रैदर मर्डर्ड। रिश्ते स्वाभाविक मौत नहीं मरते हैं, बल्कि उनका कत्ल हो जाता है, खून हो जाता है। रिश्तों का बोलते हैं खून हो जाता है। कैसे हो जाता है, उसके ये 5 कारण हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। बड़ी मुश्किल से रिश्ता बनता है, फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव, नेबर। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मेरे साथ मेरे बड़े भाई, मेरी छोटी बहन है ना, मेरा परिवार का बहुत सारा और लोग बहुत मेरे सपोर्ट में है, मेरे बिजनेस के सपोर्ट में है। आज मैं बहुत खुशनसीब हूँ है ना, इस मामले में कि मुझे इतना सारा सपोर्ट है। रिश्तों को बोले ना, रिश्तों को बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। अगर कहीं ना कहीं खून के रिश्ते में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, या खून का रिश्ता नहीं भी है, प्रॉब्लम जो आता है ये 5 कारणों से आता है। इसको आपको समझना होगा। और ये 5 कारण जो है ना, ये आपको जान के हैरानी होगी, ये आइसबर्ग की तरह है। आपको पता है आइसबर्ग क्या होता है? आपको जानेंगे तो आपको बहुत आश्चर्य होगा। जिनको मालूम है उनको पता है। आप लोगों को मैं एक बहुत छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा कि आइसबर्ग क्या होता है। टाइटेनिक पिक्चर आप लोगों ने सबने देखी होगी। टाइटेनिक जहाज का जो एक्सीडेंट हुआ था, जिस बर्फ के पहाड़ से, वो आइसबर्ग था। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। वो बर्फ का पहाड़ था जो 10% सिर्फ दिख रहा था बाहर से, 90% वो पानी के अंदर था। जिसकी वजह से कैप्टन ऑफ द शिप जो था वो नहीं देख पाया। उसको लगा छोटा सा कोई पहाड़ है जिसको हम कट करके निकल जाएंगे, लेकिन वो बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ था जो सिर्फ 10% विजिबल होता है और 90% इनविजिबल होता है। रिश्तों में भी ऐसा ही है। रिश्ते का जो खून होता है ना, कहता है रिश्तों का खून हो गया, वो नेचुरल डेथ नहीं मरते, स्वाभाविक मौत नहीं मरते, उसका खून किया जाता है। कैसे किया जाता है? बिल्कुल इसी तरह से, क्योंकि ये जो 5 फैक्टर है ना, ये बिल्कुल आइसबर्ग की तरह है जो सिर्फ 10% ऊपर से दिखता है। उसी के बेस पे हम डिसीजन लेते हैं, उसी के बेस पे हम धारणा बनाते हैं लोगों के बारे में कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मुझे आगे काम आएगा कि नहीं आएगा, ये मुझे मदद करेगा या नहीं करेगा, इसके साथ आगे रिलेशन बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है। वो बिल्कुल आइसबर्ग की तरह जो सिर्फ 10% दिखता है। आप किसी के बारे में कैसे कोई ओपिनियन बना सकते हो सिर्फ आइसबर्ग को देख के, 10% देख के? क्योंकि इंसान का एटीट्यूड, जिसको हिंदी में रवैया कहते हैं, परसेप्शन, इसको नजरिया बोलते हैं, इसको रवैया बोलते हैं, इसको नजरिया बोलते हैं। ईगो, अगर आप लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मैनेजमेंट में पढ़े हैं तो 3 टाइप का ईगो होता है। चाइल्ड ईगो, पेरेंट ईगो, एडल्ट ईगो। 3 टाइप का ईगो होता है। तीनों डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है। उसमें अल्टीरियर, कॉम्प्लीमेंट्री, बहुत सब चीज है ना। ट्रांजेक्शनल एनालिसिस के थ्रू हम लोग इसको पढ़ते हैं। फिर बिहेवियर, सब लोगों का 5 उंगली हमारे हाथ में, 5 डिफरेंट है। 5 भाई बहन एक ही माता पिता से पैदा हुए, सब भागीगत इंटेलिजेंस में अलग अलग होता है। तो 800 करोड़ लोग है पूरे वर्ल्ड में, तो कैसे उनका बिहेवियर सोचिए अलग होगा कि नहीं होगा। सब डिफरेंट कास्ट, रिलीजन से रिलेटेड है। जब घर में एक ही माता पिता से पैदा हुए हम सब भाई बहन, सबका बिहेवियर अलग है, सबका इंटेलिजेंस अलग है, सबका डेस्टिनी अलग है, भाग्य अलग है। तो आप सोच सकते हैं कितना कॉम्प्लेक्सिटीज है हमारे जीवन में। गॉड का बनाया हुआ ये दुनिया बहुत अद्भुत है। इसको समझने के लिए हमारे पास वो ब्रेन नहीं, हमारे पास दिमाग नहीं है। साइंटिस्ट लगे हुए हैं आज तक, देखिए डेथ का नहीं निकाल पाए कि डेथ कैसे होती है। लगे हुए हैं, इतना सब चीज का आविष्कार हो गया, इन्वेंट हो गया, इन्वेंशन हो गया, इनोवेशन हो गया, डिस्कवरी हो गया, लेकिन आज अभी हम नहीं जानते कि डेथ क्यों होती है। फिल्मों में दिखाया जाता है, लेकिन इग्नोरेंस, अज्ञानता, ये सब के पीछे आइसबर्ग है जो कि सिर्फ 10% विजिबल है। और सारे रिश्तों का खून इसी आइसबर्ग की वजह से होता है, क्योंकि हम सिर्फ 10% के बेस की वजह से, 10% जो लोगों का दिखता है बाहर से, जो दिखता है इंटरनल, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। मेरे बारे में आप कुछ नहीं जानते 90%। 10% जो बाहर से देखा कि प्रोफेसर दास कैसा है, उसके बेस पे आपने एक राय बनाया कि यह आदमी अच्छा है, बुरा है, घटिया है, इसके साथ आके दोस्ती करें नहीं करें, ये फाइनेंशियली कमजोर है, इससे दूर रहो नहीं तो ये हमेशा पैसा मांगेगा। इस तरह का जैसी सोच आपके मन में आया, आपने रिश्तों का खून कर दिया। वो स्वाभाविक मौत नहीं मरा, क्योंकि आपने वो इंटेंशनली कर दिया, वो बाई चांस नहीं, वो बाई च्वाइस हो गया। यही फर्क है रिलेशनशिप के बारे में। जो वर्ड है कि रिलेशनशिप डू नॉट डाई
नेचुरल डेथ रादर मर्डर्ड, यस दिस एकदम करेक्ट है, वो इंटेंशनली होता है, बाय चॉइस होता है, क्योंकि आप आइसबर्ग 10% के बेस पे सब डिसीजन लेते हैं, किसी के बारे में ओपिनियन देते हैं, मत बनाते हैं, बिना सोचे समझे कि 90% उसका क्या है। इसीलिए टाइटेनिक जहाज का एक्सीडेंट हुआ था, दैट वॉज द बिगेस्ट और लार्जेस्ट एग्जाम्पल यू कैन सी रिलेटेड टू दिस पार्ट, टाइटेनिक शिप का जो एग्जाम्पल है, कि वो कैप्टन ऑफ द शिप नहीं देख पाया, नहीं समझ पाया कि वो जो बर्फ का पहाड़ है वो इतना बड़ा हो सकता है, क्योंकि वो आइसबर्ग था, उसको लगा छोटा सा पहाड़ होगा, हम निकल जाएंगे साइड से। लोग रिश्तों में भी ऐसे निकलने की कोशिश करते हैं कि साइड से निकल जाएंगे, छोटा सा पहाड़ होगा, लेकिन वो आइसबर्ग है। किसी भी इंसान को जानने के लिए 10% नहीं 100% आपको जानना होगा। पैरेटो रूल कहता है हर चीज में 80-20 का रेशियो होता है, तो किसी भी रिश्ते को जानने को कम से कम 80% तो जानना होगा आपको। 20% के बेस पे आप कुछ नहीं कर सकते, इसका मतलब आपके पास सिर्फ गलत कंक्लूजन आएगा, रॉन्ग कंक्लूजन आएगा। इसलिए आज के बाद किसी के बारे में भी कोई भी ओपिनियन, कोई भी मत बनाना हो कि अच्छा है, बुरा है, घटिया है, क्वालिटी है, नहीं है, क्वांटिटी है, वो हमारे काम आएगा नहीं आएगा, वो 10% देख कर नहीं बनाइए, वो आइसबर्ग की तरह नहीं करिए, उसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए 80%। आपने हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर लोगों को फिल्मों में काम करते देखा होगा, CBI को, IB को, रॉ को, जब भी वो 10% के बेस पे इंफॉर्मेशन बनाते हैं किसी ना किसी निर्दोष को मारा जाता है, आपने एकदम देखा होगा। ऐसी बहुत सारी भी OTT पे एक द फैमिली मैन आ रहा था, उसमें 3 लड़कों को मार दिया गया था, बहुत अच्छा दिखाया था, इनोसेंट थे देवर, ऐसा दिखाया गया था उसमें, क्योंकि उनका इन्फॉर्मेशन जो था वो आइसबर्ग की तरह था। जिस दिन आपने 80% इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, एक्सपोजर लेना शुरू कर दिया सबके बारे में, किसी रिश्ते का कभी खून नहीं होगा, कभी खून नहीं होगा, गारंटी है, 100% वारंटी, गारंटी मेरे तरफ से ले लीजिए, गॉड की तरफ से भी है। इसलिए आज से हर रिश्ता को फ्रीडम दीजिए, स्पेस दीजिए, और पूरा जांच पड़ताल के बाद बिना सोचे समझे कोई ओपिनियन नहीं बनाइए, जब तक आप उसके बारे में 80% नहीं जानते हैं। किसी को आप 20% के दम पे, आइसबर्ग जैसा 10% के दम पे जानने का कभी दावा नहीं कर सकते, वो कंक्लूजन आपका हमेशा गलत होगा, वहाँ रिश्ते हमेशा खराब होंगे, वो हमेशा इंटेंशनली होगा, बाय चॉइस होगा, कभी चांस के हिसाब से नहीं होगा। ये बात को हमेशा मेरा याद रखिएगा, दीज आर द 5 रीजंस बिहाइंड रिलेशनशिप डू नॉट डाई नेचुरल डेथ रादर मर्डर, रिश्तों का खून होता है इसी वजह से, सिर्फ आइसबर्ग की वजह से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया उसको शेयर करिए सबके साथ, और आज से एकदम गांठ बांध लीजिए कि आप अपने रिश्तों को फ्रीडम देंगे, स्पेस देंगे, किसी के बारे में भी कोई भी गलत सही जो भी ओपिनियन बनाना है 80% जांच पड़ताल करेंगे आप, तब किसी के बारे में राय बनाएंगे, नहीं तो कोई एकदम न्यूट्रल रहिए, कोई जरूरत नहीं है कोई ओपिनियन देने का। और इसी तरह से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा दूसरा वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी।